नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अयुबंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में पंजाब पुलिस एसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे 560 पदों के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। ये आपकी भर्ती वो पिछले साल आई थी, इसको रिओपन किया गया है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप फॉर्म भर लें, 31 अगस्त तक के आपके फॉर्म, सॉरी 30 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि पंजाब पुलिस एसआई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पंजाब पुलिस एसआई का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पंजाब पुलिस एसआई का सिलेबस क्या होगा, पंजाब पुलिस एसआई की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी डाउट बने, वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पंजाब पुलिस एसआई नोटिफिकेशन 2022 का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी वो किस चीज के बारे में, पंजाब पुलिस एसआई भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन है, वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड पंजाब पुलिस में उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर की पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार पंजाब पुलिस में चार संवर्ग यानी इन्वेस्टिगेशन, आर्म, डिस्ट्रिक्ट और इंटेलिजेंस में उप निरीक्षकों के 560 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, क्योंकि इच्छुक उम्मीदवार 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के मध्य तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से पंजाब पुलिस में पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम पंजाब पुलिस एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर रहे थे पंजाब पुलिस एसआई वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो एसआई डिस्ट्रिक्ट कैडर की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर में 87 पोस्ट है। आम पुलिस कैडर में अगर बात करें तो एसआई की 97 पोस्ट है। इन्वेस्टिगेशन कैडर में अगर बात करें तो एसआई की 289 पोस्ट है, और इंटेलिजेंस कैडर में अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर की 87 पोस्ट है। इस तरह से 560 पदों के लिए कि आपसे अभी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं अभी इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो एसआई डिस्ट्रिक्ट पुलिस की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर में एसआई के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें आम पुलिस कैडर में एसआई की पोस्ट के लिए तो आपकी ग्रेजुएट कंप्लीट होना जरूरी है, और इन्वेस्टिगेशन कैडर में भी आपकी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एसआई इंटेलिजेंस कैडर की अगर बात करें तो ग्रेजुएट इन कंप्यूटर यानी अगर आपने आईटी में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए तो बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 28 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में, तो पंजाब पुलिस एसआई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो आपके फॉर्म 9 अगस्त से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 30 अगस्त 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम डेट के बारे में अगर बात करें, सॉरी पंजाब पुलिस एसआई एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो आपका एग्जाम सितंबर या फिर अक्टूबर में आयोजित होने की संभावनाएं बताई जा रही है। अगर जल्दी कोई एग्जाम डेट के संबंध में कोई सूचना आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सूचना आराम से देख पाओगे। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 700 रुपये फीस रखी गई है एप्लीकेशन फीस, और 800 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फीस लगेगी, और टोटल 1500 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें, एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब लाइनर डिसेंट्स ऑफ ईएसएम की अगर बात करें तो आपकी ओनली एप्लीकेशन फीस 700 रुपये लगेगी, बाकी आपकी एग्जामिन फीस आपकी नहीं ली जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें एससी एसटी ओबीसी ऑफ ऑल स्टेट एंड ओबीसी ऑफ पंजाब स्टेट ओनली और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 700 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी, 200 रुपये आपकी एग्जामिन फीस लगेगी, और टोटल आपकी 900 रुपये फीस यहाँ पे लगने वाली है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए तो बात कर लेते हैं पंजाब पुलिस एसआई का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो पंजाब पुलिस एसआई सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा 800 नंबर का,
उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पंजाब पुलिस SI का जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पंजाब पुलिस SI एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका पेपर फर्स्ट रहेगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल स्किल और पंजाबी से संबंधित आपके 400 नंबर का आपका पेपर होगा। पेपर सेकंड की अगर बात करें तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, DI आएगी और डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस और इंग्लिश से संबंधित आपके 400 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का भी हो सकता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का भी हो सकता है, ये आपका पेपर होगा जो आपको पता लग जाएगा। टोटल अगर बात करें तो 800 नंबर का आपका पेपर आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं पंजाब पुलिस SI के पेपर के बारे में, तो पेपर आपका ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा, OMR बेस्ड पेपर होगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 800 अंकों का होगा, प्रत्येक गलत उत्तर की 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होंगे, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC से संबंधित उम्मीदवारों केवल 45% के न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने की आवश्यकता रहने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं पंजाब पुलिस SI का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पंजाब पुलिस SI सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव एंड लॉजिकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया और पंजाब दोनों की आएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमिक, जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट, करंट अफेयर जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पूछी जाएगी, अवेयरनेस ऑफ इश्यू कंसर्निंग डाइवर्सिटी और एथिक एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का आपका और न्यूमेरिकल स्किल का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो उसमें क्या क्या आएगा, नंबर एंड देयर रिलेशन, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियल प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, मीन मीडियन मोड, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, मेंशनेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और इक्वेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। पंजाबी की अगर बात करें तो पंजाबी सिलेबस क्या आएगा, इसमें पंजाबी लैंग्वेज स्किल इंक्लूडिंग सेंटेंस कॉम्प्लेंशन एंड स्ट्रक्चिंग, एरर डिटेक्शन, वोकेबुलरी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी, पेरिसिस स्किल, फिल इन द ब्लैंक से संबंधित एप्लीकेशन में पूछे जाएंगे। ये पेपर आपका पंजाबी में आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो नंबर एंड लेटर सीरीज, सिक्वेंसिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मिसिंग नंबर, पैटर्न कॉम्प्लेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, डेटा सफिशियंसी, पजल, क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी, कैलेंडर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कोडिंग रिकॉर्डिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल लीगल रीजनिंग और DI से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें क्या क्या आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल इंक्लूडिंग सेंटेंस कॉम्प्लेंशन एंड स्ट्रक्चिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, पेरिसिस स्किल्स, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक और वोकैबुलरी, जिसमें कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहा है, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके टेस्ट बिल्कुल फ्री लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, MS ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब सर्च इंजिन, VOIP कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन, बेसिक कॉन्स्टेबल नॉलेज, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि व्हाट्सएप वगैरह संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक ऑफ डेटा इंक्रिप्शन और बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें क्या क्या इवेंट होंगे, मेल कैंडिडेट की हाइट की अगर बात करें तो कम से कम 5 फुट 7 इंच आपकी हाइट होनी जरूरी है, फीमेल की अगर बात करें तो 5 फीट 2 इंच आपकी हाइट होनी है वो जरूरी है कम से कम। अब बात करते हैं PST की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर बात करें तो SI मेल कैंडिडेट के लिए क्या होगा, इसमें कौन कौन से इवेंट होंगे, रेस होगी आपकी 1600 मीटर की, 7 मिनट में आपको पूरी करनी है, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट और आर्म पुलिस के लिए होगी, इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन कैडर में आपकी 800 मीटर की दौड़ होगी जो कि आपको 4 मिनट में पूरी करनी है, लॉन्ग जंप होगा आपका डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म पुलिस में, SI के लिए 3.65 मीटर का 3 चांस होंगे, 9 फीट का होगा वो होगा आपका इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन कैडर में 3 चांस होंगे,
हाई जंप की अगर बात करें तो 1.10 मीटर होगा आपका, डिस्ट्रिक्ट और आम कैडर में 3 चांस दिए जाएंगे, इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन कैडर में आपके 3 फीट के 3 चांस आपको दिए जाएंगे, 3 फीट आपको कम से कम हाई जंप वो लगाना होगा। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो आपकी रेस होगी डिस्ट्रिक्ट और आम पुलिस के लिए 800 मीटर की, 5 मिनट में पूरी करनी है, और इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन कैडर में अगर बात करें तो 400 मीटर की रेस आपको 2 मिनट में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप आपको 3 मीटर आपको लगाना है कम से कम डिस्ट्रिक्ट और आर्म पुलिस में, और इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन कैडर में अगर बात करें तो 6 फीट का आपको कम से कम लॉन्ग जंप लगाना है, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप की अगर बात करें तो 0.90 मीटर आपको लगाना है डिस्ट्रिक्ट और आर्म पुलिस में, और इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन कैडर की अगर बात करें तो 2.5 फीट आपको हाई जंप वो लगाना होगा। चलिए बात कर लेते हैं, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर सैलरी की अगर बात करें तो आपकी सैलरी हो 35,400 रुपये के मंथ प्रति मंथ के हिसाब से आपको दी जाएगी, तो बहुत अच्छी सैलरी। इसमें अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में पंजाब पुलिस में एसआई की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि पंजाब पुलिस एसआई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पंजाब पुलिस एसआई का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पंजाब पुलिस एसआई का सिलेबस क्या रहेगा, पंजाब पुलिस एसआई की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको पंजाब पुलिस एसआई भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको बेल आइकन देकर उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, धन्यवाद।